नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अंतर्राज्यीय पोस्त तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 150 किलोग्राम पोस्त और एक ट्रक किया बरामद। फिरोजपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गैंग के 12 सदस्यों को किया गिरफ्तार। तेजधार हथियार किए बरामद। पंजाब के रक्षा सेवाएं स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री महेंद्र भगत का जालंधर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। हलचल विस्तार से। जालंधर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 150 किलोग्राम पोस्त बरामद किया है। ये पोस्त एक ट्रक में सेना के सम्मान की आड़ में छिपाकर ले जाया जा रहा था, तो वहीं ट्रक को मकसूदा के बीदीपुर रेलवे क्रॉसिंग पास रोका गया, जिसमें से 150 किलोग्राम पिसा हुआ पोस्त बरामद हुआ। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार की गई आरोपियों की पहचान कपूरथला के फत्तूडिंगा गांव निवासी मंगल सिंह उर्फ मंगा और बूटा गांव सुभानपुर निवासी जगदीप सिंह उर्फ जग्गू के रूप में हुई है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये कार्रवाई जालंधर ग्रामीण के CIE स्टाफ द्वारा की गई। DSP सुरेंद्र पाल सब डिवीजन करतारपुर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर पुष्प बाली इंचार्ज CIE स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान सेना के सामान के बीच छिपा 150 किलोग्राम पिसा हुआ पोस्त बरामद किया गया। वहीं प्रारंभिक जांच से पता चला कि मंगल सिंह और जगदेव सिंह झारखंड से कपूरथला तक पोस्त की तस्करी कर रहे थे और सेना के सम्मान का इस्तेमाल जांच से बचने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में सेना इंटेलिजेंस से भी संपर्क किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी ताकि इस गिरोह के अन्य लिंक का पता लगाया जा सके। ट्रक मालिक बलवंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। माननीय SSP साहब जालंधर देहाती सरदार हरकमलप्रीत सिंह खख जी के दिशा निर्देशों से श्रीमती जसरूप कौर IPS SP इन्वेस्टिगेशन जी की रहनुमाई हेठ CIE स्टाफ जालंधर देहाती की पुलिस ने 2 व्यक्तियां मंगल सिंह अते जगदेव सिंह वासियां कपूरथला नूं गड्डी नंबर PB10 HJ2832 जिस विच आर्मी का समान लोड सी उन्हां नूं काबू किया है। उन्हां नूं शक्की हालत विच काबू करते हुए उन्हां पासों 150 किलोग्राम डोडे चूरा पोस्त बरामद किए हैं। जो ये डोडे चूरा पोस्त झारखंड तो लिया के कपूरथला के एरिए सप्लाई करते सन, जो इन्होंने नाके तो बचने की खातर भारती फौज का समान कह के उन्होंने कागज नाके ते दिखाते सन ते अगे निकल जाते सन। इन्हों जिहड़ा होर एक साथी बलवंत सिंह है जिसकी भाल में छापेमारी की जा रही है। इन्हों खिलाफ़ मुकदमा नंबर 81/15C/65 NDPS एक्ट थाना मकसूदा दर्ज रजिस्टर करके इन्हों गिरफ्तार किया गया है। फिरोजपुर में बढ़ रही लूटपाट की वारदातें और तेज हथियारों से लोगों पर हमला करने वाले लोगों से फिरोजपुर में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे कोई भी आदमी कहीं जाते हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 12 सदस्यों को तेज हथियारों सहित काबू करने में सफलता हासिल की है, जिनमें 5 औरतों और 7 पुरुषों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिरोजपुर शहर में बढ़ रही लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के बारे में काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए गिरोह के 12 लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि इस गैंग के कुल 17 सदस्य हैं, 5 सदस्य अभी गिरफ्तार करने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। ਗਰੋਹ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਹਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ 12 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਔਰਤਾਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਔਰਤਾਂ 2 ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਸੇ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ? ਇਸ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। पंजाब के रक्षा सेवाएं स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत का जालंधर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल के नेतृत्व में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मंत्री बनने के बाद उनके प्रथम जालंधर दौरे पर बड़ी संख्या में समर्थकों, परिवार के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते भेंट किए और बधाई दी। वहीं मोहिंदर भगत ने पिता पूर्व मंत्री चुन्नीलाल भगत का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने जालंधर वेस्ट के मतदाताओं और आम जनता का आभार व्यक्त किया जिनके समर्थन से वे इस मुकाम तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उन पर विश्वास जताते हुए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जालंधर में विकास कार्यों पर चर्चा की। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, सीनियर नेता पवन कुमार टीनू, दिनेश ढल और अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जो ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਢਲ ਜੀ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੱਬਲੂ ਜੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ MLA ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਾਇਆ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ,
लीडर साहबान वह पूरा करती है। अज उन्होंने कल मिनिस्टर बना के जो है वादा किया इलेक्शन के पूरा किया है। सो मैं तुहाडा सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और थानू वादा करता हाँ जिवें किया गया है कि मैं कोशिश करांगा कि तुसी सारे महसूस करो कि मैं नहीं तुसी सारे मिनिस्टर बने हो ताकि तुसी महसूस करो तुहाडे मन दे विच एक जज्बा होवे कि जिहदे वास्ते असीं काम कीता सी वो साडे नाल खड़ा है। और इहो ही मैं कामना करांगा तुसी जिवें किया गया है असीं शहर नूं। पंजाब सरकार द्वारा अपनी कैबिनेट में 5 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हरदीप सिंह मुंडिया सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में मस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में माथा टेककर वाहेगुरु गुरु जी का शुक्राना अदा किया और सरबत के भले की अरदास की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल तथा आम आदमी पार्टी के विधायक व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि उन पर गुरु साहिबान की कृपा हुई है, जिसके चलते वे उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि वाहेगुरु जी की कृपा से जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वे उसे पूरी तनदेही से निभाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वे गुरु घर में सेवादार बनकर आए हैं और वे अपना पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाया जाएगा, जो मुख्यमंत्री का शुरू से सपना था उस सपने को जरूर पूरा किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सच्चे पातशाह की कृपा हुई, धन धन गुरु रामदास जी की कृपा हुई, सोना तो आशीर्वाद लैन वास्ते आए हैं। अज तुम भावों दसना चाहवागा कि मेरे नाल सरदार कुलदीप सिंह धारीवाल कैबिनेट मिनिस्टर साहब, तो अज ही परमात्मा की कृपा नाल जिहड़ी जिम्मेवारी तुसीं कह रहे हो मिली है, परमात्मा ने बहुत वड्डी जिम्मेवारी दी है, वो सेवादार बन के लवांगा और अज ही जाके दफ्तर का चार्ज संभालना, तो पंजाब नूं मुड़ रंगला पंजाब बनावांगे। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का जिहड़ा पहले दिन तो सुपना है कि पंजाब मुड़ पंजाब बनाउणा, रंगला पंजाब बनाउणा, आपां सारे मिलके पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाईए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। मत्था टेकणा है जी, बहुत वधिया, जो लोगों ने उम्मीदा नाल सरकार बनाई उस उम्मीदा ते पूरा खरा उतरांगा। धन्यवाद। जालंधर के ओल्ड रेलवे रोड पर स्थित जैन आइस फैक्ट्री में कुछ दिन पहले हुए गंभीर हादसे के बाद आज फिर से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बीते दिनों फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद फैक्ट्री और उसके प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। आज की छापेमारी के दौरान पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और लेबर विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया, तो वहीं फैक्ट्री में बची हुई अमोनिया गैस को पाइपलाइन से ड्रेन आउट किया गया ताकि दोबारा इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इस दौरान गुरजंट गरेवाल लेबर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां पाई गई हैं। अमोनिया गैस जैसी खतरनाक पदार्थों के रिसाव से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा उपायों में सुधार करें। इसके साथ ही प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन को चेतावनी भी दी कि यदि दोबारा इस तरह की लापरवाही सामने आई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट से सारी टीम्स आई हैं इतने, आप सिर्फ इतने जी गैस अमोनिया गैस में पाइपलाइनस या प्लांट के हैगी है, वो हीट नाल एक्सपैंड हो के लीक ना हो, इस करके उन्होंने आप क्ढन वास्ते आए सर। होर इतने कोई आप कोई होर परपज़ नहीं है। ऐसी और भी काफ़ी फैक्ट्री हैं जलंधर शहर में जिनकी काफ़ी देर से कोई सर्विस नहीं था, कोई उनकी देखभाल नहीं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो देख रहे हैं, आप जाँच कर रहे हैं सारा कुछ, जाने तो बाद जो आएगा दस देवे तुम। कोई फैक्ट्री सीज करने की भी गल हैगी है? ये वाली फैक्ट्री देखो फिलहाल तो सीज ही है, आप गैस ड्रेन करना आए हैं बस इतने। होशियारपुर के क्षेत्र दसूहा के 10वीं कक्षा के छात्र देशांत और 11वीं कक्षा की छात्रा मनप्रीत कौर ने राइफल शूटिंग और पिस्टल शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतकर इलाके का नाम रोशन किया है। तो वहीं संबंधी जानकारी देते हुए राइफल शूटर मनप्रीत कौर ने बताया कि हाल ही में हुए खेडा वतन पंजाब दिया में उन्होंने
15 मीटर राइफल शूटिंग में सिल्वर मेडल और 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने कई बार नेशनल गेम्स में भी मेडल जीते। वहीं मनप्रीत ने कहा कि उन्हें इसकी प्रेरणा अपने पिता से मिली, क्योंकि उनके पिता भी एक एथलीट हैं। तो वहीं छात्र दिशांत ने बताया कि उन्होंने 10 मीटर व 15 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्टेट लेवल में गोल्ड जीते हैं। दिशांत ठाकुर ने बताया कि उन्हें अपने परिवार से प्रेरणा मिली, क्योंकि वे इस खेल के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वहीं दिशांत और मनप्रीत ने कहा कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पूरा ध्यान लगाकर मेहनत करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतकर पंजाब और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, जैसे जोनल हो गए, स्टेट्स हो गए, फिर नॉर्थ जोन हो गए, फिर नेशनल हो गए। मोस्टली मैंने हाफ ऑफ द इंडिया तो नहीं, बट 1/3 इंडिया मैंने घूम लिया है। जैसे मैं अभी तक भोपाल गई हूँ, गुजरात गई हूँ, राजस्थान गई हूँ, केरला गई हूँ मैचेस खेलने के लिए। और मैंने भोपाल में SGFI नेशनल में ब्रॉन्ज जीता है, और स्टेट में भी मेरी लाइक पोजिशन आती है, कभी उतार आते हैं कभी चढ़ाव आते हैं, लेकिन स्पिरिट है वो। ये इंटरेस्ट था मेरे पापा को। पापा पहली बार घर पे राइफल लेकर आए थे और मेरे को बोले कि आज से तो ये करेगी, तो वहाँ से इंटरेस्ट जागा कि मैं अब राइफल शूटिंग करने वाली हूँ। फ्यूचर में अभी प्लानिंग है कि पहले अपनी लाइफ को प्रेजेंट में पूरी तरह से फोकस करना है, अपना एम एक देखना है। मेरा एम है कि मैं आगे जाऊँ, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रजेंट करूँ, अपने आप को एक वो दिलाना है फेम टाइप। मैं अब तक के जो भी मेरे जर्नी में स्टेट मैचेस आए सारे खेला हूँ, और लगभग सब में ही मेरे मेडल्स हैं। मैं नेशनल लेवल खेला हूँ, स्कूल नेशनल, इंटर स्कूल नेशनल, ओपन नेशनल, और जो भी प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं मैं सारे खेला हूँ। कौन सी गेम खेलते हो आप और कहाँ से आपको मोटिवेशन? मैं 10 मीटर एयर पिस्टल एंड 50 मीटर एयर पिस्टल करता हूँ। और मेरे को एक दिन मेरे पापा लेके गए थे एज ए शूटिंग रेस दिखाने, फिर वहाँ से मेरे को शौक आया खेलने का। मैं फ्यूचर प्लान नहीं है कि अभी मैं ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ, वदे ओलंपिक्स में जाके इंडिया का नाम रोशन करता हूँ। स्कूल सभी बच्चों पे बराबर ध्यान देता है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा आउटस्टैंडिंग करके दिखाते हैं, तो स्कूल फिर अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे ही हमारे यहाँ के दो बच्चे दिशांत ठाकुर जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, और मनप्रीत जो क्लास 11th की है, इन्होंने शूटिंग के अंदर, एक ने राइफल शूटिंग में, एक ने पिस्टल शूटिंग में अपनी कला दिखाई। हमने इनको सपोर्ट किया, इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और आज हमें खुशी होती है कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल्स अभी से इन्होंने इकट्ठे कर लिए। और जब मैं इनसे बात करता हूँ इनके फ्यूचर की, तो दोनों बच्चे चाहते हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें ओलंपिक्स के अंदर, और ना केवल रिप्रेजेंट करें बल्कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। तो इनके भविष्य की प्लानिंग देख के हमें भी बहुत खुशी होती है, और हम इनके साथ पूरा सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं कि जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे इंडिया का नाम रोशन करें। हर महीने की तरह इस महीने के भी आखिरी मंगलवार को रमन शिव मंदिर कमेटी और स्त्री सत्संग सभा की तरफ से स्वर्गीय महंत अशोक कुमार शर्मा के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए मंदिर प्रांगण में मां की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें मां का गुणगान कृष्ण गोपाल एंड पार्टी की ओर से किया गया। तो वहीं मां के भजनों पर श्रद्धालु खूब झूमे। वहीं चौकी के उपरांत राजमा चावल का लंगर भी लगाया गया। वे मंदिर में मोनू शर्मा और मंदिर के पुजारी जगदीश पंडित ने बताया कि स्वर्गीय महंत अशोक शर्मा की तरफ से जिस निष्काम भाव से धर्म का प्रचार किया जा रहा है, उसे जारी रखा जाएगा, और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मंदिर में समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर विक्की अरोड़ा, ऋषि बांसल, राजकुमार सूरी, अमित शर्मा, अमित खुराना, स्त्री सत्संग सभा से पवन सूरी, मंजू सहगल, कोमल अरोड़ा, ज्योति सानी, रितु शर्मा भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट।
नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल चरणतर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के श्री राम हाल में चल रही श्री राम कथा के चौथे दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों को कहा कि श्री राम ने जीवन भर जो किया उससे प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति गो सेवा में अग्रणी रहे तो उसे पुण्य गो सेवा नारायण सेवा के बराबर मिलता है। उन्होंने कहा कि गाय को सड़क पर विचरण करने के लिए मत छोड़ो, जो भी ऐसा करे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के बबलू शर्मा एवं आप नेता जोगिंदर पाल शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान हरिकांत झा, केशव भगवान दास, पूर्व प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह, अशोक शर्मा व मनोज शर्मा भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मोखदेशो मो राजा विद्वान् क्षमादमुचियत अक्षन्नामी मदन्त जव प्रिया अधोखत अस्तोखत स्वभावानवो विपरान विष्ठाया मतीजो जन्विन्द्रते हरि ओखधी। श्रीमद् गुरुचरण कमले भ्यो नमः। गंधाख्यत पुष्पाणि समर्पयामि, समर्पयामि दुर्गाङ्कुराणि बिलपत्राणि समर्पयामि, नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, सुगंधि नेत्र मनुलेपयामि। ओम मातृअम्बकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनाम्बा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतयोर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधि नेत्र मनुलेपयामि, नैवेद्यं पुरतो निधाय आदौ धूपं दीपं च देयः। ओम मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः वृतः पद्भ्याद्रो अजात। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपा चंद्रमा अप्स्वन्तराय धीयते प्रतिवस्तोरहदयुभिः। प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि हस्त प्रक्षालना। रितु शर्मा जी, रीटा बहन, मीना बहन जी और नीलम शर्मा जी। जो काल की दृष्टि प्राचीन नहीं है, अनुभव की दृष्टि से प्राचीन है। ये आत्मा जो है ना, अनुभव की दृष्टि से प्राचीन है। सनातन धर्म जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता। देखो जो हम नींद में रहते हैं ना, तो कितने शांति में रहते हैं, बोलो। रोज नींद लेने जाते हैं, नींद में गए तो कितनी शांति हो गई। और हमारी जब नींद टूटती है तब हमारा स्वरूप कैसे वासना शून्य होता है। जिस समय नींद टूटती है हमारी तुम्हारी शक्ति, ये बात सारे विश्व के मानव के लिए, क्योंकि मानव धर्म है सनातन धर्म। ईश्वर ने सारे विश्व के कल्याण के लिए इनका निरूपण किया है और उसी में हमारी सबकी शांति है, उसी में हमारा सबका जीवन है और उसी में हमारा सबका कल्याण है। उसका रक्षण होना ही चाहिए। हमारे मन में विकारों के उदय होने के पहले और विकारों के शांत होने के बाद कैसी स्थिति होती है, इसको आप स्वयं आप निरीक्षण करो, स्वयं अनुभव करो।
संस्कृत की परंपरा का निर्माण किया गया है, अनुभव करती है और कहा मनुष्य इसी में सुरक्षित रह सकता है। और भारत देश धर्म प्रधान देश है, अपनी आत्मा के अनुरूप व्यवहार करो और क्रियाकलाप करो, अपने आत्मा के अनुरूप क्रियाकलाप करो। निश्चय अपने जीवन में करते हैं, बड़े तो करना चाहिए। नया नया युग आ रहा है, नया नया ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, उसको भी स्वीकार करना है। लेकिन नवीनीकरण करते समय हमें सत्य से दूर नहीं हो जाना है, सत्य माने आत्मा से दूर नहीं हो जाना है। नवीनीकरण के लिए तो लड़ मरेगी सारी दुनिया, ध्यान रखना है सबको। नए नए धर्म बना करके क्या है, नए नए देश बना करके हम ब्रह्मचर्य से दूर ना हो जाए, हम त्याग तपस्या से दूर ना हो जाए, हमारे जीवन में जो इंद्रियों का संयम बना रहे, वीरता बनी रहे, महानता बनी रहे, समझदारी बना रहे और सबको पालन पोषण और प्रेम प्यार की शक्ति भी हमारे अंदर बनी रहे, ये ईश्वर की दी हुई चीज है। हम दूर ना हो जाए अपने जीवन में जो इंद्रियों का है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, उससे हम दूर ना हो जाए। हिंसा भी करनी पड़े तो देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, इसके आदेश पर जनता अपराधी को फांसी में चढ़ा देता तो कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो विधान है, संविधान है। ऐसे वैदिक विधि से अगर हिंसा की तो हमारी इंद्रियों में जो संयम है उससे हम दूर ना हो जाए। और जिसमें संयम नहीं रहेगा सब धर्म पत्रों के काम बन जाएंगे, आसान के काम बन जाएंगे, आत्मा से निकट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर की पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सवरिया चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तेरा ठंडा शीतल देश माँ, तेरा
कठोर करिए मुश्किल नू हल कर दे मेरे बल तू आ जा बल पाके सिद्धे मेरी तकदीर मालिक है संसार ती आस पूरी नौवीं पातशाही जीटीपी नगर जालंधर के अध्यक्ष जथेदार जगजीत सिंह बाबा की माता सरदारनी सुमित्रा कौर गत दिनों उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे जगजीत सिंह बाबा ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, प्रिंस अशोक ग्रोवर, पूर्व विधायक जालंधर कैंट सरबजीत सिंह मक्कड़, आप युवा नेता रोबिन सांपला, तेजिंदर बिटू, सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, हरपाल सिंह चोडा, गुरकृपाल सिंह, चरणजीत सिंह अटवाल, गोल्डी भाटिया, जथेदार मनन, सुरेंद्र सिंह, जसवीर सिंह व पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सरदारनी सुमित्रा कौर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अंतर्राज्यीय पोस्त तस्करी गिरोह के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार। 150 किलोग्राम पोस्त और एक ट्रक किया बरामद।
फिरोजपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाली एक गैंग के 12 सदस्यों को किया गिरफ्तार, तेजधार हथियार किए बरामद। पंजाब के रक्षा सेवाएं स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत का जलंधर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।